इंजीनियर हूँ, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में मेरी इंजीनियरिंग की डिग्री है। और करीब एक साल पहले मैंने एक यूट्यूब चैनल शुरू किया था जिसका नाम मैंने रखा अश्विन कश्यप। अश्विन कश्यप मतलब हंसता खेलता है कश्मीरी, कश्मीरी जिसका जिसकी मजहब हो कश्मीरियत, जो एक दूसरे के साथ अगर जुड़े तो एक कल्चर के थ्रू जुड़े, और जिसका मुझे लगता है एक जबान जो है वो हमें बांधती है सबको, क्योंकि एक जब हम एक जबान में हम सोचते हैं, एक जबान में ही हम हंसते हैं। जितनी हंसी मुझे एक कश्मीरी लतीफे पे आएगी, शायद किसी और जुबान में बोले हुए लतीफे पे ना आए। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए, जहन में रखते हुए, और ये भी कि अब हमारी जबान कोई बोलता नहीं है, ज्यादातर लोग नहीं बोलते। छोटे बच्चे मैंने देखा है यहाँ अपने स्टे के दौरान ज्यादातर अंग्रेजी में या उर्दू में बात करते हैं। तो इस कमी को फिल करने के लिए, इस गैप को फिल करने के लिए मैंने अपना चैनल बनाया अश्विन कश्यप, और ये यूट्यूब पे मैं वीडियोस बनाती हूँ एक ह्यूमर के टच के साथ। मैं छोटे छोटे वीडियोस बनाती हूँ 10-15 मिनट के, और मैंने देखा है कि इन वीडियोस के जरिए जो है लोग एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि ये जबान हमें जोड़ती है। हम इस जबान से हम बंद कहीं अगर हमारी कितनी भी नफरतें हों, लेकिन जब हम एक जबान में अपनी एक जैसी जबान बोली हुई में लतीफा सुनते हैं, तो हम दोनों कम्युनिटीज को या जितनी भी कम्युनिटीज ये जबान इस्तेमाल करती हैं वो नजदीक आती हैं, वो अपने गम भूल जाते हैं। तो मुझे बहुत खुशी होती है जब लोग मुझे लिखते हैं कि हम बीमार होते हैं तो हम आपके वीडियोज देखते हैं तो हमारे चेहरे पे हंसी आती है, अगर हम स्ट्रेस्ड होते हैं आपका वीडियो देखते हैं तो हमारी परेशानी उस लम्हे के लिए दूर हो जाती है। तो चूंकि मैं इसको अश्विन कश्यप कहती हूँ, तो भगवान करे कि हमारा जो हर कश्मीरी है वो अश्विन रहे, हंसता खेलता रहे, यहाँ अमन की बहाली हो, लोग फिर से हंसे। हम यहाँ श्रीनगर रहने वाले में रहा करते थे, और 5 अप्रैल 1990 को हमें अपना घर छोड़ना पड़ा था, और उसके बाद हम कभी वादी कश्मीर में आए नहीं। और सलाम मारा एक प्रोग्राम है जो एक इनिशिएटिव स्पेस कम्युनिकेशन अमित वांचू जी ने ऑर्गेनाइज किया, और इसके सिलसिले में हमने पहले भी बात की थी जब हम दिल्ली में मिले जहाँ आजकल हमारी रिहाइश है। और बहुत ही बेहतरीन ये प्रोग्राम है दो कम्युनिटीज को मिलाने का, उनको आपस में एक मौका देने का कि वो बात करें। बहुत ही खूबसूरत ही मेरे हिसाब से तो एक बहुत नोबल कॉज है जिसका मैं भी हिस्सा थी, और जिस वजह से मैं फिर से अपने घर कश्मीर आने का मुझे मौका मिला। क्योंकि इस दुनिया में अगर मेरा कहीं घर है, मकान तो शायद बहुत जगह बन जाते हैं, लेकिन अगर इस दुनिया में मेरा कहीं घर है तो वो कश्मीर में है। तो आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं अपने घर में हूँ। और अगर ये ज्यादा कुछ थोड़ा इमोशनल ना हो, थोड़ा जज्बाती ना हो, तो मैं अभी यहाँ बैठी हुई थी और थोड़ी देर के लिए मैं उठ के बाहर गई, मैंने देखा कि पेड़ों पे जो है ये कुछ जिसको हम कश्मीरी में बोलते हैं वुडविन जानवर, कुछ कौवे थे या कुछ। मैं अभी अपने मन में सोच रही थी कि मैंने ये आवाजें बहुत सालों से नहीं सुनी, इतनी जो यहाँ ये हसीन ये वादी है, ये जो पेड़ पौधे हैं, ये और आपको कहीं नहीं मिलेंगे। ये हमारा घर है और हम चाहेंगे कि हम यहाँ वापस आए। एटलीस्ट मैं अपने लिए कह सकती हूँ, मैं चाहूंगी कि मैं वापस यहाँ आऊँ और यहाँ बसूं, अपने लोगों के साथ अपनी जबान में बात करूं। अभी जहां भी हम अभी रहते हैं वहां बाहर जाने से पहले हमें सोचना पड़ता है कि सड़क पे चलने वाले को कौन सी जबान समझ आएगी, क्या इससे हिंदी में बात की जाए, उर्दू में बात की जाए या अंग्रेजी में बात की जाए। लेकिन जब हम अपने वतन वापस आते हैं तो हमें ये सोचना नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ हर इंसान एक जैसा है, हर इंसान एक ही जबान बोलता है। लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ डेवलपमेंट की भी बहुत जरूरत है, और मैं पर्सनली भी अगर मुझे कभी मौका मिला मैं कंट्रीब्यूट करना चाहूंगी, स्पेशली लोगों के लिए और बच्चों के लिए। मुझे लगता है एजुकेशन सेक्टर में बहुत, मैं नहीं कहती कि लोगों ने काम नहीं किया होगा, मगर मुझे लगता है कि वहाँ अभी बहुत काम बाकी है और बहुत काम किया जा सकता है हमारी आगे की नस्लों के लिए। बहुत बच्चे मैंने सुना है ड्रग अब्यूज की तरफ जा रहे हैं, मैंने सुना है बहुत बच्चे खुश नहीं हैं जिस हिसाब से उनकी एजुकेशन हो रही है। कई कई स्कूल्स ऐसे हैं जहाँ पे उस्ताद ज्यादा हैं और स्टूडेंट्स कम हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। खैर मेरे लिए बहुत इमोशनल मोमेंट है, मैं बड़े सालों बाद अपने घर वापस आई हूँ और मुझे इस वतन से बहुत मोहब्बत है। और भगवान चाहे, ईश्वर, अल्लाह, जिस भी नाम से आप
उसको पुकारते हैं कि हाँ फिर से अमन की बहाली हो, लोग खुश हों, हंसते खेलते नजर आए, बच्चे पढ़ते लिखते नजर आए। अब आपने ये सलाम महाराज जैसा इनिशिएटिव देखा जो 28 साल के बाद जिस इनिशिएटिव में इतनी ताकत थी कि उसने एक ऐसे इंसान को भी बुला लिया अपने वतन जो 28 साल से नहीं आया। ऐसा नहीं हम आना नहीं चाहते थे, वजह कई थी, वो डिस्कस करना जरूरी नहीं है, मगर मेरे हिसाब से जो वांचू साहब ने ये बीड़ा मैं कहूँगी अपने ऊपर अपने कंधों पर लिया है, इनकी इनकी ऑर्गेनाइजेशन जो ये काम इन्होंने किया, ऐसे इनिशिएटिव्स और होने चाहिए। मुझे लगता है ऐसे लोग वांचू साहब जैसे लोग बहुत लोगों को इंस्पायर करते हैं कि अब हमने कल जैसे मैं इस प्रोग्राम का हिस्सा थी वहाँ हमने देखा कि वहाँ कोई नामी गिरामी नहीं बुलाया था हमने, वहाँ एक रेगुलर कश्मीरी जिसको हम कहते हैं वो लोग आए हुए थे, उन्होंने अपने जज्बात बयान किए और हमें पता चला कि एक जो इंसान होता है मन ही मन में, चाहे वो इस बात का इजहार ना करे लेकिन मन ही मन में वो अमन चाहता है, वो शांति चाहता है, वो पीस चाहता है, तो वो रोजगार चाहता है। तो ऐसे इनिशिएटिव्स और होने चाहिए जिससे दो कम्युनिटीज को आपस में बात करने का मौका मिले और वो नजदीक आए।